नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज इलेवन भारत मैं हूं अनूप सोनू झारखंड सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित हमारी खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है लगातार सरकार की विभाग बार समीक्षा के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिर झारखंड सरकार के दो साल के कार्यकाल का क्या फलाफल रहा हमने विभाग बार आपके सामने रिपोर्ट कार्ड पेश की इसी सिलसिले में इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जी इनसे इनकी विभाग की उपलब्धियाँ जानेंगे और फिर आप लेंगे रिपोर्ट कार्ड पर मार्क्स बन्ना गुप्ता जी आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपके दो साल के कार्यकाल की आपकी संतुष्टि आप किस तरीके से दर्शकों के सामने रखते हैं देखिए दो साल का ये कार्यकाल जो है ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि हम लोग ये भूल चुके थे कि हम लोग ये सरकार है कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं दो साल का कार्यकाल विशुद्ध रूप से जब आँख के सामने मौत मंडरा रही है लोग त्राही माम कर रहे हैं मातम है दुख है वेदना है पीड़ा है तो उस समय सिर्फ़ और सिर्फ ये लगता है कि हम नेता नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से हम मानव हैं और हमने सरकार ने अपना सब कुछ भूलकर यही केवल प्रण किया कि हर हाल में जान प्राण की रक्षा करने के लिए हम पद ओधा पोजीशन को त्याग करके एक मानवीय चेहरा बन के काम करेंगे और मानवीय चेहरा बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी सरकार ने भी काम किया है हमको विरासत में क्या सौंप के गए थे वो लोग कितने आरटीपीसीआर थे कितने ट्रूनेट मशीन थे क्या स्थितियाँ थी तो सब स्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी हमारे अंदर हमारे मुख्यमंत्री के अंदर हमारे अंदर ये सोच थी राजनीति में कहा जाता है कि वैचारिक मतान्तर हो सकते हैं ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है लेकिन वैचारिक मतांतर उस हद तक तो कभी नहीं हो सकते हैं जब राजहित मानवहित जनहित पर कोई बात हो और आपने देखा होगा कि जब बाढ़ भी आती है तो बाढ़ में भी आपने देखा होगा आप इंसान की बात छोड़िए जानवर जो होते हैं पशु पक्षी जो होते हैं बाढ़ जब आती है तो सांप और चूहा भी जो है एक ही पेड़ पे एक दूसरे के साथ बैठा रहता है लेकिन एक दूसरे के साथ प्राण पर हमला नहीं करता है वो भी अपनी जान बचाता है लेकिन पहली बार हमने देखा कि इस कोविड नाइन्टीन के दूसरे चक्र में इतना इस चक्र में इतनी आक्रामकता थी इतनी इसमें विध्वंसकारी शक्तियाँ थीं और हम एक एक रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए तरसते रहे हम एक एक जो है बी टाइप डी टाइप सिलेंडर के लिए तरसते रहे हम दवाइयों के लिए तरसते रहे लेकिन हमारे साथ वहाँ पर भी सौतेला व्यवहार किया गया और हमको राजनीतिक कारणों से हमारे राज्य की जनता की उपेक्षा की बन्ना जी आपने जैसे ही पदभार ग्रहण किया आपकी सरकार के सर जो ताज चढ़ा वो कहते हैं ना कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद जब बारी थी हर विभाग के विकास उपयोगी योजनाओं की प्लानिंग की बारी थी लेकिन वैसे में अचानक से एक टास्क <coughs> आ जाता है और सारा सिस्टम उसी में उलझकर रह जाता है ऐसे में आपके विभाग पर सबकी निगाहें थी क्योंकि आप का जो विभाग है वो इसकी धुरी में था क्या मानते हैं कि उससे निपटते निपटते आपके विभाग की जो नई योजनाएं थीं वो कहीं कहीं धीमी गति में रह गई या जो करना चाहते थे आप वो कर नहीं पाए नहीं देखिए विभाग ये सही है कि जब सरकार का गठन हुआ जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश दिया और ये सोच के दिया कि राज को बहुत प्रगति के पथ पे ले जाना है और हम सबों के अंदर भी काम करने की ललक है क्षमता है लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि सच है विपत्ति जवाती है कायर को ही दहलाती है सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते कांटों में राह बनाते हैं विघ्नों को गले लगाते हैं है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है तो विपरीत परिस्थितियों में कायर और कमजोर घबराते हैं हम लोग एक युवा नेतृत्व के साथ हमारी युवा टीम बहुत मजबूती के साथ काम कर रही थी कर रही है और करती रहेगी स्वास्थ्य सूचकांक में जो वृद्धि हुई है उससे आप संतुष्ट हैं <laughs> चौदह प्रतिशत तो संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है हमने कालाजार में 45 प्रतिशत कालाजार को मात दिया है हमने इस बार देखिए चिकनगुनिया डेंगू आपको उसके बाद जो है डायरिया उसके बाद मलेरिया ये सारी बीमारियों को इस बार हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है टी को भी बहुत कंट्रोल मैंने देखा है स्वास्थ्य सूचकांक में जो डेटास है मैंने उसको देखा है ओमिक्रोन को कैसे मारेंगे देखिए ओमिक्रोन की बात जहां तक है ओमिक्रोन देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि ये पांचवा वेरिएंट आया है इसके पहले चार वेरिएंट आ चुके हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी था डेल्टा डेल्टा और डेल्टा प्लस तो अभी ओमिक्रोन जो आया है ये डेल्टा से भी सात गुना ज़्यादा ये स्प्रेड कर रहा है मतलब इसकी फैलने की व्यापकता उससे सात गुना ज़्यादा है और डेल्टा में आकार प्रकार बहुत कम प्रकार के बदलते थे लेकिन ओमिक्रोन तीस तरह के आकार प्रकार बदल रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में अभी तक पूरे चाहे वो डब्ल्यू एच ओ हो चाहे आई सी एम आर हो चाहे वो हमारा जो है झारखंड का हो या विदेश के बड़े वैज्ञानिक कोई अभी तक इसके ओर छोर के बारे में केवल कयास लग रहे हैं और कयास लग के हम इसकी जो आक्रामकता है उसको रोकने के लिए वैक्सीन से वैक्सीनेट कर रहे हैं लेकिन मुझे इस बात को कहना भी है कि केरल वगैरह में 100 परसेंट वैक्सीनेट हो गए ऐसा बताया जाता है उनके भारत सरकार के पोर्टल में आया था और इसके बाद भी केरल के सात आठ ऐसे जिले थे जिसमें 100 में 15 सत्रह 16 मरीज जो है लगातार पॉजिटिव हो रहे थे इसका मतलब है 100 परसेंट वैक्सीनेट होने के बाद भी यदि 15 से 17 परसेंट यदि पॉजिटिव हो रहे हैं तो, दे तो दे इसका दे मतलब दे। है कि वहाँ बूस्टर डोज लगाना होगा तो मैंने वहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया कि बूस्टर डोज लगाया जाए बूस्टर डोज की मैंने पुरजोर तरीके से मांग की बूस्टर डोज लगाने की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने कही लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर बूस्टर डोज में भी फिर एक फिर सियासी चाल चल दी कि 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको ही बूस्टर डोज लगाएंगे या तो प्रधानमंत्री जी ये स्पष्ट करें फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए नहीं नहीं मैं हाँ फ्रंट लाइन वर्कर लेकिन आप प्रधानमंत्री जी ये एक फिर क्लियर करें कि उन्हीं की बातों में आपस में ही विरोधाभास क्यों हैं आपको याद होगा कि जब प्रथम चरण की बात हुई तो उस समय जब प्रथम चरण समाप्ति की ओर था तो प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि हमने तो कोरोना को बिना वैक्सीन के ही मात दे दी है बड़ा बड़ा टीवी में आया फिर जब सेकंड वेव आया तो बड़ा खतरनाक आया और जब सेकंड वेव आया तो उस समय वैक्सीन की कमी हो गई और उस समय अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब तो हमने वैक्सीन पूरे दुनिया का हब बन गया है भारत और अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है जब कमी यदि कमी, कमी है, है क्या झारखंड को कमी है क्या सुनिए यदि वैक्सीन की कमी नहीं है तो फिर आप बूस्टर डोज लगाने के लिए आप उम्र सीमा में क्यों बांध रहे हैं क्यों नहीं जितने लोग ने फर्स्ट और सेकंड डोज लगा लिया पूरे हिंदुस्तान में सारे लोगों को बूस्टर डोज दीजिए क्योंकि बूस्टर डोज और वैक्सीन या वैक्सीनेट करने का जो वैक्सीन से वैक्सीनेट कर रहे हैं ये इस बीमारी का उन्मूलन और आ, बन्ना जी तो एक सवाल राजनीतिक आप आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है हम इसे इतफाक रखते हैं लेकिन मेरा भी एक सवाल इससे जुड़ा हुआ कि आप बूस्टर डोज की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उस सबको बूस्टर डोज मिलना चाहिए उसको वर्गों में नहीं बांटना चाहिए लेकिन झारखंड की स्थिति तो ऐसी है कि एक बड़ी संख्या को पहला डोज ही नहीं लगा है। आप आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जब मंजिल करीब थी तब तो पाँव फिसल गया आप डोज अब जैसे ओमिक्रोन वेरिएंट आया है अब क्या होगा कि लोग अब और ज़्यादा जोर से वैक्सीनेट कराने के लिए आगे बढ़ेंगे लेकिन देखिए ये एक ह्यूमन नेचर होता है इंसान का एक नेचर होता है कि आप जब तक आपको बुखार है तकलीफ़ है दर्द है तब तक आप जो है उसको पैरासीटामोल और विभिन्न प्रकार की दवाई खा रहे हैं जैसे ही आप उठने बैठने लगते हैं उसके बाद वो दवाई को धीरे धीरे जो है भगाने लगते हैं तो लोगों में भी यही है ये यह मानसिकता है और चूंकि उस समय चूंकि झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित है ट्राइबल स्टेट है पिछड़ा स्टेट है कमज़ोर स्टेट है लोगों के अंदर एक मन में एक वेदना और चिंता घुस गई कि इससे हार्ट अटैक हो रहे हैं और उस समय तो केंद्र सरकार ने कहीं ऐसा उपाय नहीं किया कि लोगों के अंदर जो गलतफहमी है उसको दूर करने की कोई योजना नहीं बनाई केंद्र सरकार जब हमको वैक्सीन की ज़रूरत थी उस समय वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रहे थे मतलब अभी भी झारखंड को डोज की कमी है ठीक नहीं मैं जब आप पूरे प्रसंग पर दो साल का प्रसंग पर बात कर रहे हैं तो जवाब भी दो साल का प्रसंग पर दे रहा हूं भिल्कुण, भिल्कुण। तो अब अब आप बताइए आप अपनी माँ को रख दिए हैं गुजरात में अरे भाई प्रधानमंत्री को तो चाहिए ना कि माँ जब वो बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो स्वागत है बहुत अच्छी बात है तो उनकी माँ भी मेरी माँ है तो मेरी माँ यदि जीवित रहती तो मैं अपनी माँ को तो अलग नहीं रखता लेकिन अपनी माँ को अलग रख दिया अपनी पत्नी को अलग रख दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अम्मी के जाके पैर छूने चले गए ये कहाँ का रीति है तब आप दोहरी बात क्यों कर रहे हैं भाई एक ही बात कही है कि जब दुश्मन देश है और हमारे लोगों पर हमला कर रहा हमारे ऊपर आतंकवादी तो दुश्मन तो दुश्मन है फिर दुश्मन से प्रीत क्यों जी नहीं बन्ना जी अपनी ताकत बताएं दो साल की ताकत की बात हो रही है तो अभी मैं देखिए मैं ये आपसे बहुत सिंपल कहूंगा कि कोई भी हमारा मंत्री को अपना मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है अपना गुणगान नहीं गाना है आप आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी का दायित्व के आप एक कर्णधार है तो आप अपने कैमरे से आप पिछली सरकार की अव्यवस्था और वर्तमान सरकार की व्यवस्था दोनों का मूल्यांकन कर लें तो आपको समझ में आचकांक ये बात कह रहा है स्वास्थ्य सूचकांक की बात कह रहा है कि विभाग में काम हुए हैं तो इसलिए हम कुछ सवाल रह गए हैं जिसको लेकर हम आपके पास तो देखिए ओवरनाइट तो सुधार नहीं हो सकता नहीं। है लेकिन हम सुधार की दिशा में हम बिल्कुल कारगर तरीके से काम कर रहे हैं और हम ये विश्वास देने के लिए जनता को तैयार हैं कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हम स्वास्थ्य की दिशा में समृद्ध करेंगे जीनोम सिक्वेंसर अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है झारखंड के क्योंकि जिस तरीके से कोरोना विस्फोट हो रहा है ओमिक्रोन दस्तक दे, दे दे चुका है ऐसे में दर्शक हमारे जवाब चाहते हैं कि कब तक सिक्वेंसिंग की मशीन हम बहुत जल्दी ही रिम्स में अधिष्ठापित करने जा रहे हैं और वो सारी प्रक्रियाएं करीब करीब पूरी हो चुकी हैं बस वो बहुत शीघ्रातिशीघ्र सिग्रा आपको वो देखने को मिलेगा अच्छा अभी जो एक अलग सा माहौल बन गया है ओमिक्रोन को लेकर भन्ना गुप्ता जी क्या चाहेंगे दर्शकों से क्या कहेंगे ओमिक्रोन को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि फिर से लॉकडाउन आ जाएगा कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पहले जैसी स्थिति ना हो जाए एक बार फिर से विस्फोट ना हो जाए लोग घरों में दुबक ना जाए ऐसी स्थिति आने वाली है क्या नहीं ये स्थितियों को पैदा किया जाता है राजनीतिक लोगों के द्वारा आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी सुबह में एक लाख आदमी का को भाषण दे रहे हैं और रात को बोलते हैं कि नाइट कर्फ्यू आप बताइए कि रात को सौ आदमी में पांच आदमी भी रोड में नहीं घूमता होगा इस ठंड में तो और नहीं घूम रहा है सब कंबल और रजाई में दुबक के रहना चाहता है चद्दर में छुप के रहना चाहता है तो नाइट कर्फ्यू का क्या औचित है कोई औचित्य नहीं है केवल ये मनोस्थिति को लोगों में डर का माहौल बनाकर अपने राजनीतिक मुफाद के लिए चूंकि यूपी का चुनाव है पंजाब का चुनाव है पांच राज्य के चुनाव हैं और पांच राज्य के चुनाव में करारी शिकस्त और हार को सामने देखने के कारण ये लोग चाह रहे हैं कि इसको राजनीतिकरण कर दिया जाए और इसको नाइट कर्फ्यू अरे भाई नाइट कर्फ्यू ठीक है आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी क्या नाइट में पाँच ही लोग तो निकल रहे होंगे पाँच ही लोग को तो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन सुबह आपकी नैतिकता क्या है आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप एक लाख लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं पचास हज़ार लोगों को जोगी जी संबोधित कर रहे हैं आपने पूरे मंत्रिमंडल को झोंक दिया है आपने हर प्रखंड में गृह मंत्री को लगा दिया कि आप गृह मंत्री जी पाँच जिले को देखेंगे राजनाथ सिंह जी पाँच जिले को देखेंगे सब अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो आपकी नैतिकता क्या है आपको तो कहना चाहिए था कि नहीं हमारे काम इतने विशाल हैं कि हमको जनता के पास जो है जाकर जनता को नहीं बताना होगा जनता को स्वतः मालूम है कि हमने उसके लिए क्या किया मान लीजिए कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आपने मेरे को दुख में साथ दिया है और मेरे को जान से मुसीबत से बचा लिया तो फिर सोनी जी आप यदि चुनाव में खड़े हुए हैं तो मेरे पास आके क्यों बोलने का ज़रूरत है कि बन्ना जी आपको मैंने बचाया अरे हम तो जान ही रहे हैं कि आपने हमको मदद किया तब मेरी जान बची है तो जब देश की जनता ये जान रही है कि सात साल के समय में मोदी जी जोगी जी इन लोगों ने जनता के इतने हित कर दिए हैं तब इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है इनको आ, सभा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है वो उनको तो कहना चाहिए कि भाई हम लोग सभा नहीं करेंगे चूँकि ओमिक्रोन का खतरा है कोविड का खतरा है और हमारे काम बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे काम हमारा बोलेगा और जो हमारा विरोधी पक्ष है उसको जो करना करे लेकिन नैतिकता है कि प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे मुख्यमंत्री भी नहीं बोलेंगे और भाजपा का कोई नेता सभा नहीं करेगा इसलिए आप सावधान रहिए लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि जो देश की मौजूदा हालात है उसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर झारखंड की साढ़े तीन करोड़ जनता है जो सवा तीन करोड़ जनता है वो टकटकी लगाए बैठी है कि ये विभाग इन्हें इस संकट से कैसे उबारता है पहले जैसे उबारता आया है बन्ना जी का कहना है वैसे ही हम डट के खड़े हैं और हालात का हालात की समीक्षा करने के बाद आगे फैसले लिए जाएंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक रिपोर्ट कार्ड जारी है ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जी बन्ना जी आपने दर्शकों को ये भरोसा दिला दिया कि जीनोम सिक्वेंसर मशीन बहुत जल्द लग जाएगी दर्शक चाहते हैं कि रिम्स जैसा एक और अस्पताल सूबे को मिले कब नसीब होगा नहीं देखिए निश्चित तौर पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं देखिए ये स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने की आवश्यकता है और मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी प्रार्थना किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो चीज़ मैं समझता हूँ कि इस देश के हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है और जब हम मूलभूत अधिकार की बात करते हैं तो फिर उस अधिकार को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे पहला कदम तो केंद्र सरकार को ये भूलना होगा कि हम योजना वो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं लाकर हमको देते हैं वो 60 और 40 की योजना देते हैं उनको चाहिए कि कम से कम वो 90 दस की योजना दें तब हम कहेंगे कि नहीं भारत सरकार जो है इसके लिए गंभीर है कि वो 90 रुपया दे हम 10 रुपया दें तब जाके गरीब का भला करने का उपाय हो चूँकि जब आप जीएसटी वगैरह ले रहे हैं और पूरे जो है राज्य की शक्ति को हमारा कोयला का हमारी रॉयल्टी को आपने बंधक बना लिया हमारा जो है आरबीआई का जो डेवलपमेंट का पैसा है पहली बार ऐसा हुआ कि आरबीआई से पैसा का निकासी जो है जबरन करा लिया गया आज तक ऐसा नहीं हुआ था पाँच हज़ार करोड़ रुपया बिजली का बिल पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे माथे पर थोप दिया और एक ऐसा एग्रीमेंट करके गए हैं कि जो एग्रीमेंट के तहत इन लोगों ने हमारा पैसा को निकालने का काम किया है हमारा रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं हमारा पैसा उल्टा निकाल ले रहे हैं इसका मतलब है कि इस झारखंड को आप जो है हर तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं अपमानित कर रहे हैं और हमको जो है जनहित के कामों से रोकने का काम कर रहे हैं तो जब केंद्र सरकार उदारता और महानता दिखाएगी तो हम लोग निश्चित तौर पर और व्यापक रूप से काम करेंगे और यदि ये नहीं भी करेंगे तो भी हम आपको बताते हैं कि रात कितनी भी घनघोर होगी लेकिन हमको मालूम है कि सुबह का सूरज को उगना है अकेला चला था अकेला चलूंगा सफर के सहारों न दो साथ मेरा सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ गगन के सितारों ना दो साथ मेरा अकेला चला था अकेला चलूंगा सफर के सहारो न दो साथ मेरा तो हमको मालूम है कि रात घनघोर है रात में आसमां में तारे नहीं हैं लेकिन इरादे बहुत बुलंद हैं हमारे और हमारे मुख्यमंत्री के विज़न बहुत क्लियर कट हैं और उस विज़न में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और राज्य की जनता को हम स्वास्थ्य की दिशा में हम मजबूत करने का विचार कर रहे हैं और उसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों को भी जो 50 बेड के ऊपर के अस्पताल हैं उनको भी ब्लड जो है उनको रखने की बाध्यता हम उनको कर रहे हैं ताकि वो जो है वो भी अपना शिविर लगाएँ और ब्लड को रखें और सौ बेड के ऊपर के लोगों को ब्लड सरपुर सर्पुरेशन मशीन भी प्राइवेट लोगों को लगाना होगा ये सारी चीज़ों को हम कैबिनेट में लाने जा रहे हैं इसी के साथ साथ पी प्लांट भी जो है प्राइवेट अस्पतालों को भी लगाना होगा तो हम धीरे धीरे अपने जितने चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे हमारे सरकारी सेक्टर है इसी के साथ हम आयुष्मान और मुख्यमंत्री गंभीर योजना के साथ पूरे राज्य को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं तो हम नित नए दिन नए नए इनोवेशन कैसे हमारे राज्य का भला हो कैसे हमारा गरीब गुरबा का भला हो कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें इस पर विचार मेडिकल स्टूडेंट्स आपकी तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं तीन तीन मेडिकल कॉलेजेस मिले इस सूबे को और आ, सौ सौ बेड की आहता वाले बोईज कॉलेजेस को लेकिन बाद में डॉक्टर्स की कमी और बहुत सारे पैमाने पर पे खरा ना उतरने की वजह से उन पर रोक लगा दी गई आगे नामांकन को लेकर तो ये त्रुटिया कब तक दूर हो जाएंगी त्रुटिया नहीं है ये आप इसको त्रुटिया मत कहिए ये एक सोची समझी साजिश केंद्र सरकार हमारी राज्य की जनता के साथ कर रहा है और इसका मैंने कड़ा प्रतिवाद किया था माननीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार की मीटिंग में और आप ये बताइए कि हमारे यहाँ पर जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो मेडिकल कॉलेज को आप मान्यता क्यों नहीं देंगे दे दिया है जब हम लोगों ने इसका विरोध किया है और लगातार जब मैं विरोध कर रहा था हमारे ए अरुण सिंह जी विरोध कर रहे थे तो मान्यता दिया गया है लेकिन आप मान्यता का आप एक आंख में सूरमा और एक आंख में काजल आप चंद्रवंशी जी का भी हॉस्पिटल इसको कॉलेज को पहले उन्होंने मान्यता नहीं दिया फिर चंद्रवंशी जी गए तो मान्यता दे दिया हमारे कॉलेज को मान्यता नहीं दिया फिर हम लोगों ने चढ़ाई किया तो मान्यता दे दिया इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि ये राज्य की जनता को अच्छे अस्पताल अच्छे कॉलेज अच्छे डॉक्टर नहीं मिले इसलिए वो हमारी कंटिन्यूटी को तोड़ने का काम कर रहे आने वाले तीन सालों में और कितने कॉलेजेस मिल सकते देखिए लगातार हम लोगों का प्रयास है राज्य में मुख्यमंत्री का भी विज़न बिल्कुल क्लियर है हमारा भी विज़न क्लियर है कि राज्य में कहीं पर भी कोई शिक्षा का पठन पाठन चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा हो चाहे वो जनरल भी हो हम लोग हम लोग उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं या उस तरह की हम इक्कीसवीं सदी में भी जाने का विश्वास नहीं कर रहे हैं जिस सदी में जाने के लिए हमारे संस्कार हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता प्रभावित हो लेकिन हम इक्कीसवीं सदी में जाएंगे लेकिन इनकी तरह से अव्यवहारिक रूप से नहीं जाएंगे कि हाथी को उड़ा दिया कभी हाथी भी उड़ता है कभी हाथी उड़ा है हमने तो डिस्कवरी में नहीं देखा नेशनल जोग्राफी में नहीं देखा हमने कोई किताब में नहीं पढ़ा इन लोगों ने हाथी उड़ा दिया बड़े विद्वान आइए इस लोग को रखा था उन्होंने सर सुझाव दिया हाथी उड़ाओ अरे हाथी उड़ता है हम लोग तो बच्चा लोग को खिलाते हैं चिड़िया उड़ कौआ उड़ तोता उड़ फिर बोलते हैं हाथी उड़ और जो बच्चा उठा देता है उसको बोलते हैं चलो ये गेम से आउट हो गया अब बताइए बच्चा जो पाँच साल का बच्चा चिड़िया उड़ और पक्षी उड़ और हाथी उड़ और शेर उड़ का अंतर जानता हो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व नहीं जानते थे अंतर बिल्कुल आप बन्ना गुप्ता जी की जो छवि है उनका जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो कभी उन्होंने अपने कनिय कर्मचारियों के प्रति या डॉक्टर्स के प्रति या सचिवों के प्रति अधिकारियों के प्रति उन्होंने ये कभी नहीं जाहिर होने दिया कि बन्ना गुप्ता एक मंत्री हैं पन्ना गुप्ता एक कप्तान बनकर एक गार्जियन बनकर चले हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी सख्ती भी जरूरत है सख्ती की भी ज़रूरत है नहीं देखिए सख्ती की तो ऐसी ज़रूरत है कि पहली पहला सवाल का ये जवाब है कि स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य का सहकर्मी है मेरा अपना थॉट है और मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप लोग एकदम बढ़िया से बढ़िया काम कीजिए हम लोग डॉक्टर नहीं हैं लेकिन आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं है, आप यदि ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं और किसी का ऑपरेशन करने के लिए और आपको जो ज़रूरत है वो हम लोग फुलफिल करेंगे आप यदि कहेंगे तो हम लोग जो हैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री आपका कंपाउंडर बनकर आपको गोज पट्टी और जो है आपको सीजर देने के लिए खड़ा भी रहेगा मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि आपको आपकी आवश्यक आवश्यकताओं की कमी नहीं होने दी जाएगी और आवश्यक आवश्यकताओं में हम लोगों को भी यदि हाउस कीपिंग का स्टाफ बन के यदि साफ सफाई भी करना पड़ेगा तो हम और हमारे ए भी तैयार है तो ये तो है लेकिन जहाँ तक शक्ति की बात की है तो ये लोकतंत्र है लोकतंत्र का मतलब होता है लोक चलता है नीति नैतिकता से रेल रेल मंत्री नहीं चलाता है लेकिन रेल यदि डी दो बार चार बार छः बार हो जाती है तो नैतिकता का तकाजा यह है कि रेल मंत्री इस्तीफा देता है और तंत्र वो है जो शक्ति और मुस्तैदी से चलता है तो हम लोग भी चलाएंगे और तंत्र भी चलाएंगे तंत्र उनके लिए मजबूती से काम करेगा जो लोगों के हित की अनदेखी कर रहे हैं जो लोक, देखें देखें। लोक हित में ध्यान नहीं दे रहे हैं जो एकदम मानव हित में ध्यान नहीं दे रहे हैं जो डॉक्टर इस तरह से व्यवसाय बना रहे हैं कि जो है मानवता संसार हो जाएगी तो वहाँ पर तो शक्ति होगी आचार्य द्रोणाचार्य जब धनुष सिखा रहे थे ना तो उनके यहाँ महर्षि दोम में चले गए थे और महर्षि दोम ने देखा कि आचार्य द्रोणाचार्य धनुष सिखा रहे हैं बच्चों को तो पूछा महर्षि दोम ने कि अरे महर्षि आप यदि धनुष सिखा रहे हैं तब तो यह मानव सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब द्रोणाचार्य जी ने कहा महर्षि द्रोणाचार्य जी ने कि नहीं शांति के लिए संघर्ष भी जरूरी है और यदि बच्चों को शांति लाने के लिए हमको उसको शस्त्र और साहित्य और संस्कार सभी चीज़ों से परांगत करना होगा तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी शक्ति की तो हमारे मुख्यमंत्री नारियल की तरह हैं ऊपर से सख्त हैं अंदर से कोमल हैं नारियल देखा है ना तो कोमल उन लोगों के लिए हैं जो गरीब है गुरबत है शोषित है पीड़ित है लांछित है वाछित है उपेक्षित है उसके लिए हेमंत सोरेन बन्ना गुप्ता नारियल है नारियल का अंदर का आकार कोमल और जहां पर ऊपर का आकार उन लोगों के लिए जो लूट रहे हैं घसूट रहे हैं जो अपनी नीति नैतिकता को का त्याग करके मरीज को अर्थ दोहन का माध्यम समझ रहे हैं तो उस पर शक्ति भी करेंगे चलिए आपके अपने विभाग के रिपोर्ट कार्ड से आप कितने संतुष्ट हैं बहुत संक्षिप्त देखिए अपने अपने विभाग के रिपोर्ट कार्ड से मैं उतना ही संतुष्ट हूँ कि दूसरे बेब में हम लोगों ने काम किया और दिल से काम किया चाँद जोखिम में डाल के काम किया बिना ये सोचे हुए काम किया कि हम मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री हैं हमने ये सोच के काम किया वो भी इंसान हम भी इंसान और इंसानियत को बचानी है इसलिए जान प्राण लगाकर भी इंसानियत की रक्षा करनी है अब जो रिपोर्ट कार्ड में नंबर की बात आप कहेंगे तो नंबर देने का काम पिछले चुनाव में जनता ने किया था और तब ये जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार चुनी थी और फिर जो है चुनाव जब आएगा तो जनता इसका मूल्यांकन करेगी कि इस राज्य की सरकार ने जनहित में क्या कदम उठाए हैं तो ये था स्वास्थ्य विभाग का रिपोर्ट कार्ड मंत्री जी अपने विभाग के कामों से और अपने कामों से संतुष्ट हैं और पिछला जो दो साल गया वो महामारी के बीच गुजरा चुनौतियां सामने थी विभाग उस चुनौतियों से पार पाता हुआ दिखा आने वाले तीन साल हैं बहुत सारे काम हैं और इनका विश्वास है मंत्री जी का विश्वास है कि आने वाले तीन सालों में स्वास्थ्य विभाग के अंदर वो मील का पत्थर गाड़ेंगे ऐसी शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहिए रिपोर्ट कार्ड करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा